नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो बंगाल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ज्यादा देना होगा जुर्माना। हेलमेट नहीं पहनने करनी होगी जेब ढीली। जी हां, सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। यदि आप बिना हेलमेट के पाए गए तो अब और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्तियों को 500 रुपए की जगह पर अब 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपए था। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2000 रुपए और सड़क पर गाड़ी तेज दौड़ाने के लिए 5000 रुपए का भुगतान करना होगा। कच्चे तेल के बाद अब नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट। सस्ता होगा सीएनजी से कार चलाना और पीएनजी से खाना बनाना। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गैस के दाम में गिरावट यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी के दाम घट सकते हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कुछ दिन पहले टैक्स में कटौती के बाद कीमतें थोड़ी घटी है, लेकिन पहले की तुलना में अब भी ज्यादा है। दुनिया के बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब के एक फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। वहीं गैस के भाव में गिरावट जारी रही तो घरेलू बाजार में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें गिर सकती है, जिससे जल्द ही आम आदमी को राहत मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में ड्रोन बनाना होगा आसान। सरकार ने नियमों में दी ढील, जाने क्या है नया नियम और कौन उड़ा सकेगा। जी हाँ, आने वाले कुछ समय में अगर आपके घर पर ड्रोन से सामान की डिलीवरी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में आप जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं उसी तरह से ड्रोन भी उड़ा सकेंगे। दरअसल सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाने के लिए अब ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को भी राह आसान कर दी है। सरकार ने ड्रोन से जुड़ी कागजी कार्रवाई को आसान, सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना में हवाई क्षेत्र से जुड़े नक्शे, PLI योजना और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को आसान बनाने की कोशिश की है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ड्रोन निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने ड्रोन से जुड़े कई काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसमें ऑनलाइन लाइसेंस आदि देने की प्रक्रिया शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी रेटिंग देखकर खरीदते हैं सामान तो हो जाएं सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर आप रेटिंग देखकर सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से रेटिंग और रिव्यू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के लिए ग्राहक सबसे ज्यादा भरोसा उस प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू पर करते हैं। लेकिन देश की दो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कई विक्रेता खरीदारों पर प्रोडक्ट के लिए 5-स्टार रेटिंग देने का दबाव बना रहे हैं। विकसित देशों में फेक रिव्यू रेटिंग के खिलाफ कानून है, पर भारत में ऐसा कानून नहीं है। इसका फायदा ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए सामान बेचने वाले विक्रेता उठा रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ रेटिंग देखकर सामान ना खरीदें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने की जल्द मिल सकती है मंजूरी। जानिए क्या होगी इसकी कीमत। जी हां, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र कारगर उपाय है। वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी अपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने की भारत के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी अपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने की भारत के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद जल्द ही बाजार में आने की संभावना है। इसकी कीमत 275 रुपए प्रति खुराक और 150 रुपए के अतिरिक्त सेवा शुल्क के साथ रखी जा सकती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को टीकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर नहीं देना होगा जुर्माना। यह है IRCTC का नया नियम। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब आप मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आपको अपने टिकट में बकायदा बदलाव करना पड़ता है। नहीं तो आप पर पेनाल्टी लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने
की जरूरत पड़ जाती है। IRCTC यात्रियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। IRCTC की यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में खुलासा, त्वचा पर 21 घंटे तो प्लास्टिक की सतहों पर 8 दिनों तक टिका रह सकता है ओमिक्रॉन। जी हां, एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट त्वचा पर 21 घंटे जबकि प्लास्टिक की सतह पर 8 दिनों तक जीवित रह सकता है। इस वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने की मुख्य वजह भी इसे ही माना जा रहा है। अध्ययन को जापानी शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया। उन्होंने SARS-CoV-2 वायरस के वुहान में मिले वेरिएंट के अलग अलग सतहों पर जीवित रहने की क्षमता की तुलना अन्य गंभीर स्वरूपों से की। शोधकर्ताओं ने पाया कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस के वुहान वेरिएंट के मुकाबले त्वचा व प्लास्टिक की परत पर दोगुने से भी ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। यही कारण है कि इन स्वरूपों से संक्रमण की दर चीन की वुहान में मिले मूल वेरिएंट से कहीं ज्यादा दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में CM बघेल का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारी हफ्ते में अब 5 दिन करेंगे काम, पेंशन अंशदान बढ़कर हुआ 14%। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में कई घोषणाएं की है। राज्य सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि कर्मचारी अब सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। वहीं उनकी पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल के खरीफ सीजन से राज्य में कई और फसलें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के बाद मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां अब मजदूरों की बेटियों को 20,000 रुपए मिला करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से लड़ाई में दुनिया का नया हथियार बनेगा च्यूंगम, वायरस के संक्रमण को घटाने का करेगा काम। जी हां, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अभी तक वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है। कई दवा कंपनियों ने गोलियों को भी लॉन्च किया है जो संक्रमण से बचाव करती है, लेकिन जल्द ही कोरोना को हराने के लिए च्यूंगम का इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिक पौधों के जरिए तैयार किए गए प्रोटीन से लैस एक ऐसा च्यूंगम विकसित कर रहे हैं जो SARS-CoV-2 वायरस के लिए एक जाल का काम करता है। ये कोरोना वायरस संक्रमण को घटा देता है। SARS-CoV-2 लार ग्रंथि में प्रकृति बनाता है और हम उस वक्त इसके बारे में जानते हैं जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता या बोलता है और वह संक्रमण दूसरे में पहुंच जाता है। यहां च्यूंगम एक जाल का काम करेगा और वायरस को बाहर नहीं आने देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी है पालतू कुत्ता या बिल्ली तो हो जाएं सावधान, बिना रजिस्ट्रेशन पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, अगर आप भी अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, अगर आपके पास कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने इन पालतू जानवरों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी तय कर दी है। नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि नोएडा में रहने वाले सभी लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा ले, अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर और हुआ लाल, दक्षिण भारत में कीमत 140 रुपए किलो तक पहुंची, बारिश से आपूर्ति पर असर। जी हां, देश में इस बार प्याज नहीं टमाटर रुला रहा है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तो इसके खेरची भाव 140 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार दामों में ताजा बढ़ोतरी भारी बारिश के कारण इसकी आपूर्ति गड़बड़ाने से हुई है। वैसे सितंबर से ही देश के अधिकांश बाजारों में टमाटर के भाव उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में सतत वर्षा से कीमतें और तेज हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में टमाटर की कीमतें 140 रुपए प्रति किलो पर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में बढ़ाई जाएगी डिब्बों की संख्या। जी हां, रेल यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देने की दिशा में भारतीय रेल लगातार काम कर रही है। भारतीय रेल यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं में जरूरी बदलाव भी करती रहती है। इसी दिशा में भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए ट्रेन में अस्थायी रूप से डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ट्रेन में सेकंड स्लीपर क्लास के 2 डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के नगर सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध, 10,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। जी हां, रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन सहकारी बैंक पर पाबंदी लगाई है। बैंक पर RBI ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें सबसे प्रमुख नगद निकासी से जुड़ा है। रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद नगर अर्बन सहकारी बैंक के ग्राहक 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद RBI ने यह कदम उठाया है। RBI के इस निर्देश के बाद पाबंदियों की मियाद अगले 6 महीने तक जारी रहेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने बढ़ाई भारत की टेंशन। बनाया बर्फ पर दौड़ने वाला रोबोट, पहाड़ी इलाकों में गश्त लगा सकेगा चीनी रोबोट। जी हां, चीन ने बर्फ पर दौड़ने वाला रोबोट बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यह रोबोट सर्पिलाकार रास्ते पर तेजी से दौड़ लगा रहा है। चीन का दावा है कि यह रोबोट भविष्य में 5G तकनीक से लैस कर दिया जाएगा और यह सीमाई इलाकों में गश्त तथा बर्फ से भरे पहाड़ पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे सकेगा। इस रोबोट को स्की करने वाले इंसान की तकनीक को समझने की क्षमता से लैस किया गया है। यह इंसान के स्की करने के तरीके की नकल कर सकता है। यह रोबोट प्रत्येक स्की पर अपने एक एक पैर को रखकर दौड़ता है। चीनी दल ने अपने रोबोट का प्रदर्शन भी किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।